हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेडीज ब्लॉग। तो आज है सैटरडे एंड सैटरडे की अपडेट रहेगी, क्या माल आया अंदर चलकर पता चलेगा। शूट के रिगार्डिंग कुछ भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते और क्या रेट मिलने वाला है वो भी आज, मतलब मंडी तो है अच्छी खासी भरी हुई है, मैं दिखा दूंगा स्टार्टिंग से ही। चलते हैं अंदर। गाइस टाइमिंग जो है तो 12 बजे के करीब का है, ठीक है। और ये मतलब क्वांटिटी में माल है, सामने देखो, ठीक है। तो वावड़ा S3 का एक नंबर यहाँ से चालू होता है, यहीं से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये वावड़ा है S3 का एक नंबर वावड़ा है। कुछ बच्चे यहाँ पे जो कि कट्टू में आए हुए हैं, लेकिन मेल बच्चे। ये देखो एक बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, आस्किंग 7000 रुपये की है, 6000 से पूरी पट्टी है, ठीक है। तो ज़्यादा है लेकिन चीज़ है अच्छी। ये देखो और भी देखते हैं। गाइस S3 के एक नंबर वाड़े के अंदर ही दो मेंढे आए हुए हैं, जो कि एक सिंग वाला है, एक विदाउट सिंग है, लेकिन गोटी में कलर माशाल्लाह एकदम मतलब अट्रैक्टिव कलर है। उस वाइट वाले के अंदर तो वाइट भी है, ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, डार्क ब्राउन भी है, सब कलर है। और हल्की सी सींग एकदम ना के बराबर, अदन थे बच्चे, अभी समझो 8 से 7 महीने के करीब के बच्चे, जंगल का माल है। बाल देखो उसके, बाल से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। चीज़ अच्छी है और आस्किंग जो है 9000 रुपये की आस्किंग है, 9000 दोनों का है। ब्लैक वाला छोड़ दो, बीमार है, वाइट वाला सही है, ठीक है। देखते और तो के अंदर आज तो मतलब ज़्यादा माल तो नहीं है, सब मतलब मेंढे ही है। और बच्चे थे स्टार्टिंग में जो थे, फीमेल भी खड़ी हुई है, एकदम मतलब कम है माल यहाँ पर, अगर ज़्यादा नहीं है आज तो। लेकिन देखते और बच्चा देखो कलरफुल, लेकिन ये सब मतलब पट्टी के साथ ही बिकने वाला है, पूरी पट्टी जाती है 12-12 की, ठीक है। तो देखते और इस वाड़ा है S3 का 2 और 15 के बीच में है, ठीक है। दो बकरे आए हुए जो कि क्वालिटी में कुर्बानी के लायक की चीज़ है, बनने वाले बच्चे, लेकिन दांत ज़्यादा लगा लिए, 6 दांत दोनों मतलब 6-6 दांत पे ही है, ठीक है। और हाइट जो है तो फर्स्ट वाले की जो हाइट है 35-36 की आएगी, उसकी 37-38 की हाइट आएगी, ठीक है। वेट में 30 kg, 35 kg, 40 kg परफेक्ट है। और हथियार भी देख लो, कुछ मतलब नुक्स वाली चीज़ नहीं है, ओके कंडीशन पे बकरे, ये देखो, ठीक है। और आस्किंग जो है तो 15000 पे इसका है, बाजू वाले का 18000 पे, देखते हो। तो गाइस सेम वाड़े के अंदर ये सिंधी में बच्चे हैं माशाल्लाह, एकदम खूबसूरत है हथियार, देखो क्या निकाला है। दो बच्चे हैं यहाँ पे और दोनों एक दो दाती एक अदंत है, ठीक है। 32 में जोड़ी है, 16-16 के मतलब दो पड़ रहे हैं ऐसे, ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे। सेम है मतलब एक पीछे वाला जो है 30 पे, ये 35 पे रहेगा, हाइट काफ़ी शॉर्ट है, 35-36 की हाइट पे, वो तो 34 पे ही होएगा, ठीक है। तो हाइट शॉर्ट है लेकिन वेट में है। और बच्चे भी जो है ओके कंडीशन पे, खूबसूरत भी है फेस देखो, ठीक है। तो देखते और गाइस वाड़ा है S3 का 14 नंबर वाड़ा है, फीमेल है लेकिन कंडीशन मतलब काफ़ी ख़राब है, ये देखो 8वां दांत लगाई हुई है। और ऐसा है कि मतलब ओके ही है, मतलब यानी बांझ वांझ नहीं है, खिलाई पिलाई अच्छी रखना पड़ेगी। जिसको मतलब यानी 2 से 3 खेप मतलब चाहिए तो ये बकरी दे सकती है, पतीरा के अंदर आएगी, फीमेल है, अच्छी चीज़ है, आस्किंग है 8,500 रुपये आस्किंग है, ठीक है। देने का रेट जो रहेगा 7,000 रुपये, 6,500 रुपये मेरे ख्याल से वो दे देगा। प्राइस कोई मतलब छिल्ले पिल्ले बकरे, ठीक है। वाड़ा है S3 का 5 नंबर वाड़ा है, ये देखो फ्रेम अच्छी है लेकिन दुबले पतले बकरे एकदम, फ्रेम बहुत अच्छी है। तो माशाल्लाह बकरे तो अच्छे आए हुए, एक बच्चा काफ़ी अच्छा है, ये देखो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मतलब हाइट पकड़ा है, वेट में कुछ भी नहीं है। इसके 2 दांत थे कि नहीं थे? 2 दांत थे, 2 दांत लगा चुका है, तीसरा भी कर लेगा, बहुत मतलब समझो ना के बराबर है, लेकिन रेट जो है सही है, 8,000 रुपये इसकी भी आस्किंग कर रहे हैं। और ये सब जो है 10,000 रुपये में, मतलब 10,000 रुपये के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन 8,000 रुपये इसकी आस्किंग है, ठीक है। कम कराने के बाद में आस्किंग बोल रहा हूँ, मतलब फाइनल कराने के बाद में 8,000 रुपये इसका बोल रहे, ठीक है। देखते हो इस वाड़ा जो है तो S3 का 7 और यहाँ से 10 नंबर है, ठीक है। 7 और 10 के बीच की गली के अंदर है बकरा, माशाल्लाह अच्छा है,
ये कोई बकरा नमूनिया में, इनमें ये पीने से शायद से नमूनिया में चली गई हो, उसकी सांस लेने के स्टाइल से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बकरा देखते हैं। हाइट बकरे की 40 की हाइट पे बकरा है, बहुत अच्छी हाइट पकड़ा हुआ है माशाल्लाह। दांत तो मैं देखा नहीं हूँ, ठीक है, और वेट का भी मतलब इसका थोड़ा 19-20 होएगा। दांत मेरे ख्याल से पूरे ही लगाया होगा तभी आया ये, 4 दांत लगाया हुआ है ये देखो, 4 दांत पे बकरा है। खिलाई पिलाई अच्छी अच्छी है और उसके अंदर जो है तो प्रोटीन की काफ़ी कमी है, बाल बाल झड़ रहे हैं इसके। ठीक है, रेट 20,000 पे आस्किंग पे ही है, अच्छी चीज़ है। वेट में मेरे को भी नहीं समझ रहा है, ठीक है, लेकिन अंदाज़ा बताता हूँ 50 किलो 45 केजी के लगभग में निकलेगा। ठीक है, तो देखते हो गाइस, खस्सी में चीज़ आई हुई है, वाड़ा है S3 का 9 नंबर वाड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं पहले भाई कुछ चेक कर रहे हैं, इनको चेक कर लें तो ठीक है, खाली चेक करना ही था तो देख लिए उन्होंने बकरे। एक बकरा है जो कि 40 की हाइट पे 40 के अभाव में आएगा और खस्सी बकरा है, मेन चीज़ तो ये खस्सी है। दांत देखो, 4th दांत लगाया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है माशाल्लाह, रेट भी अच्छा है, 25,000 आस्किंग के ऊपर है वो। ठीक है, यहाँ पर भी एक बकरा है जो कि 22,000 आस्किंग पे है, लेकिन देख लो भाई जो नुक से, तो वन साइड है, वन साइड गायब है और उसमें भी मतलब लोचा है, इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ही है, मतलब ये सब लाइन से जो के बकरे ही बकरे, इसने भी 4 दांत लगाया हुआ है, इसके तो 2 ही दांत है, दांत इसके पहले ही देखे थे। ठीक है, 4 दांत पे ही बकरा है 22, पीछे वाला देखो 18,000 रुपये में 2 दांत पे हो। ठीक है, लास्ट बचा हुआ है ये भी 4 दांत पे। ठीक है, अजमेरा के अंदर ये सब आएगी चीज़ें, ये देखो, तो अच्छी अच्छी चीज़ आई हुई है, 20,000 रुपये सेम है और सब खस्सी का ही माल है। एक जो है तो सिर्फ मतलब पानी भरा हुआ है, बड़ा वाला बकरा, बाकी सब देखते हैं। गाइस, ये बच्चे के लिए मैं मतलब खास रेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वालिटी देख लो क्या है, तो मार्बल सिंह मार्बल खुद के अंदर आएगा, पतीरा में झलक है लेकिन। ठीक है, और बच्चा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, कुछ भी मतलब अभी तक का तो मतलब ठीक ठाक है। नाक वाक देखो, हल्की फुल्की सर्दी पकड़ती है देवनार के जानवर को। ठीक है, और वाड़ा बता दूँ तो S4 का 1 नंबर वाड़ा है, आस्किंग है इसकी 5,500 रुपये, मतलब आस्किंग इसकी 8,000 की थी, 5,500 में डन हो रहा है। ठीक है, मतलब वो 5,500 बोल रहा है लेकिन हम कुछ और रेट बोल रहे हैं, फिर भी सही है, अच्छी चीज़ है। अगर किसी को मतलब समझ में आता है तो उठा लो, और मेरे ख्याल से 500 रुपये तोड़ देगा, 5,000 रुपये में बच्चा मिल जाएगा, देखते। और आज जो है पूरा टोटली मतलब सब कट्टू वाले माल है, गौरान के अंदर है। ठीक है, उसमें से भी हम देख देख के निकालते हैं क्या है। तो वाड़ा है S4 का 3 नंबर वाड़ा है, ठीक है, पहाड़ी आया हुआ है जो कि, बाल देखो उसके क्या है, कुर्बानी के लायक की चीज़ है, किसी को मतलब जो लोग इसमें शौक़ रखते हैं वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बकरा हो गया, 0.5 पे लेते, लेकिन मसला, हाँ मसला यही है कुर्बानी के लिए कि मतलब कान कटे हुए, ठीक है, ये मसला है, नहीं तो चीज़ काफ़ी अच्छी है। मैंने खुद नहीं देखा था पहले, वो साइड से देखा था दोनों बकरों को हटा के, और ये बकरे में तो कुछ भी नहीं है, ये देखो कुछ भी नहीं है, सीना वीना अच्छा बना हुआ है। हाइट 38 की आएगी, वेट में लगभग लगभग 50 किलो तक का आएगा। ठीक है, दांत 6 दांत लगाया हुआ है, आस्किंग है 17,000 रुपये की। ठीक है, तो और इसकी जो के रेट है तो इसका है 16,000 रुपये, 17-16 है दोनों, क्या पता क्या रेट, सिंह के ऐसे दिखता रेट बोल रहा है इसका, बाकी रेट तो नहीं है, मतलब अब रेट में हल्का ही है, रेट सही नहीं लगा रहे। ठीक है, तो देखते और इस वाड़ा है 14 नंबर S4 का। ठीक है, बकरा देखो 39-40 के करीब की हाइट के आज बकरे अच्छे देखने मिल रहे, 2 बकरे, एक तो मतलब ये कंफर्म मतलब 39-40 है, ये थोड़ा 19-20 है, 38 की हाइट पकड़ के चलो। इसके जो के दांत है तो 6th दांत लगा लिया है, अजमेरा के अंदर ये भी आएगा, अजमेरा का माल काफ़ी आज और पूरा गौरानी माल आया हुआ है। आस्किंग जो के है इसकी, तो आस्किंग है 22,000 रुपये की। ठीक है, मतलब दूसरों के हिसाब से सही है, आज मंडी का रेट थोड़ा टाइट दिख रहा है। वेट में ये 65 केजी तक का आराम से जाएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाजू वाला जो है ये देखो, ये भी सेम है 60, वो खाली हाइट के वजह से वेट ले रहा है, ये जो है चौड़ापन के वजह से वेट ले रहा है। सिंग का देख लो, दोनों का मसला है भाई, उसकी सिंग कटी हुई है, इसकी सिंग टूटी हुई है। ठीक है, और ये जो है तो 4 दांत लगाया हुआ है, 20,000 आस्किंग के ऊपर है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो
देखते हो गाइस, आज देखने मिल रही है माशाल्लाह, क्या बच्चा है यार, वाकई में बहुत खतरनाक बच्चा है। जो लिया ना उसकी चांदी है, कुर्बानी में तो ये आतंक कर देगा, इतना अच्छा तैयार हो जाएगा। हथियार देखो सामने, ताज के ऐसे हथियार निकाला है, मार्वल खुद में, मार्वल सिंह में, पूरा गुलाबी है, एक भी स्पॉट नहीं है। पीछे की धुम देखो इसकी, ठीक है, एक भी स्पॉट नहीं है। धुम को नहीं पकड़ना भाई, धुम नहीं बोलना कि धुम पे स्पॉट है, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है। आस्किंग जो है तो 18,000 रुपये की आस्किंग है, ज़्यादा बहुत कम ज़्यादा नहीं होगा इसके अंदर, 18,000 की आस्किंग है, अच्छी चीज़ है। तो कोई इंटरेस्टेड है तो आके देखो। अदंत है ये, दाती नहीं, अदंत है वो, देखो एंगल क्या दे रहा है वो। गाइस इसके जो के दो दांत लगा लिया है, ये भी क्वालिटी में चीज़ है, लेकिन बच्चे के अंदर जो बात है वो इसमें नहीं है। काफ़ी प्यारी चीज़ है, एकदम खूबसूरत बोलते हैं ना, चेहरे से चमक रहे, कश्मीरी बकरों के टक्कर में दिख रहे हो, ठीक है। चीज़ देख लो, थकान से थोड़े बकरे टूटे हुए, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो वेट मैं इसका बताऊँ, वेट इसका मतलब यानी 55 kg आराम से आएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। और हाइट जो है तो बैठ गया अभी 36-37 की हाइट पे। हथियार इसके भी देख लो सेम है, मार्बल सिंह, मार्बल कूद है, ऐसा लग रहा है बाप बेटे दोनों, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ आई हुई है। आस्किंग 25,000 रुपये की भाई इसकी आस्किंग, ठीक है। तो देखते और वाड़ा है, S4 का 3 नंबर वाड़ा है, अदंत बच्चा है, ठीक है। क्वालिटी देखो, पंजाबी क्रॉस है, ये बात की मैं गारंटी लेता हूँ, पंजाबी क्रॉस है, ठीक है। जगह नहीं है यहाँ पे, दूसरे बकरे बंद रहे अभी। तो माशाल्लाह बकरा काफ़ी अच्छा है, अदंत है। हाइट जो है इसकी तो हाइट आएगी 36-37 की हाइट पे आएगा। वेट में तो मतलब छोड़ो, तो मेरे को खुद नहीं समझ रहा है। आस्किंग बता दूँ 18,000 रुपये की सेम आस्किंग है। सो गाइस ये जो कि बकरा है, तो ये हमारे मतलब एक है भाई उनका है, ठीक है। तो बकरा देख लो कैसा है, तो माशाल्लाह बहुत खतरनाक लुक वाइज तो एकदम डेविल दिख रहे हो, ठीक है। हथियार देखो उसके, अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हाइट भी अच्छी पकड़ा हुआ, हाइट जो कि 37 की हाइट रहेगी, 36-37 की हाइट रहेगी। वेट में लगभग 65 kg के अभाव आएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो देखते हैं और भी। वाड़ा है S4 का 6 नंबर वाड़ा है, ठीक है। और बकरे देखो माशाल्लाह क्या है, तो देखो अमान दिखा रहे हैं, सोजत के अंदर दो बकरे आए हुए, अदंत है, अदंत बच्चा है माशाल्लाह, काफी अच्छी हाइट पे है, वो भी अदंत है, दाती है, अदंत है, दांत तोड़ा हुआ है, दांत लेके आ जाएगा। रोहित भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत, और क्या बोल रहे भाई, यूट्यूब का अपना चैनल कैसा चल रहा है अभी? सबकी दुआ से चल रहा है माशाल्लाह। भाई अभी थोड़ा आ गए, और सपोर्ट करो भाई को, भाई थोड़ा और ऊपर जावे, क्योंकि मेहनत इनकी हद से ज्यादा जाती है भाई। यहाँ पे एक बार आए ना तो 3-4 घंटा खपता ही है ना, 3-4 घंटा मतलब आराम से खप जाता है। ये बकरे मेरे को लेने का है, ऑडियंस को लेने का नहीं है, वो हिसाब से मैं मार्केट में बकरे दिखा, मतलब पलने वाले अच्छे बकरे दिखा। ये तो है यूट्यूब के ऊपर, मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, मैं इतना भी जितना कवर नहीं कर पा रहा उतना रोहित भाई कर रहे हैं। कंटिन्यू इनकी वीडियो आ रही है, बैक टू बैक आ रही है, और मतलब ऐसा है कि वीडियो लॉन्ग हो रही है तो पार्ट 1 पार्ट 2 में आ रही है। लोग इंटरेस्ट दिखा रहे, अच्छा इंटरेस्ट दिखाओ, इनको थोड़ा और सपोर्ट चाहिए, जितना सपोर्ट मिलेगा गाइज आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए रहता, जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ऊपर जाते, तो आप लोगों की ज़रूरत है। कोई कस्टमर लेता है जी जी, ठीक है भाई, हाँ। अगर ये बकरा मतलब कोई लेता है, ठीक है, तो ये वेट में तुम्हारे हिसाब से क्या जाएगा अभी? साठ के ऊपर है, ठीक है। तो 60 के ऊपर है ना भाई, तो अभी तो ऐसे तो अपन 2,000 रुपये ले रहे, 30 के अंदर वालों का, 30 के ऊपर वालों का 2,500 रुपये,
और 60 के 70 के मतलब 60 चलो यहाँ तो 60 के हल्का फुल्का रहा तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जाएगा 3000 करेगा ऐसे तो इसका 2500 रुपए लेंगे। ठीक है भाई जी, हाँ 60 के ऊपर का 3000, हाँ हाँ 100-180 चलेगा जी। देखो भाई कुल्ला में है, कुल्ला ईस्ट में लोकेशन है ना, हाँ, जी जी भाई, तो भाई 3000 में नॉन वेज बहुत अच्छी पलाई है भाई 3000 में, और आपको नजदीक पड़ रहा है पड़गा जाने के, भाई रोड इतना कंडीशन डाउन है, मैं परसों भिवंडी गया था बाइक से, इतने खड्डे है भाई क्या पूछो मत, समझिए बाइक से ज्यादा रिस्की वाला काम है, यहाँ से रोड खुदा है फिर यहाँ से टन ले रहा है। तो अच्छा भाई 3000 में कुल्ला ईस्ट में पलाई तंजील भाई को दो 60 के, और 60 के नीचे रहा अभी आप 25 किलो का ले रहे हो बकरा, ठीक है तो आपको 2500 रुपया है ना, सही होगा भाई पलाई का चालू की है, आप सबका सपोर्ट की जरूरत है, देखे देखो भाई ये इंशाल्लाह बना देंगे। ये हमारे अमान भाई, अमान भाई भी हमारे सेटअप पे आए हुए हैं, रोहित भाई भी आए हुए हैं ना भाई, सही है ना भाई के बाजू में रहते हैं, बाजू में रहते, ठीक है तो माशाल्लाह बकरे अच्छे हुए। अमन भाई क्या रेट बोल रहे इसका? 55,000 रुपए जोड़ी का, जोड़ी का। तो तुम्हारे हिसाब से सही है गलत है? सही है मार्केट के हिसाब से, मार्केट तो टाइट ही है, 47,000 रुपए लगा के गई है, 47। अच्छा लेने वाले ने 47 लगा चुके हैं, लेकिन मतलब ये चीज गई नहीं, ठीक है तो कितने तक का देंगे अंदाजा तुम्हारा? अंदाजा मेरा है कि 48-49 तक दे देंगे, 48-49 तक का जोड़ी दे देंगे। और सिंगल लेने जाएंगे तो? सिंगल लेने जाएंगे 25 से नीचे नहीं देंगे, है ना। तो आज का रेट ही है मंडी का, बता दे दो, एक घंटी खड़ा पे खड़ी थी सामने ने बकरे 25 लगाई, ठीक है 25 लगाए थे लेकिन नहीं दिए, ठीक है तो आज की मतलब जोड़ी में बेचना है। मंडी का रेट ही यही चल रहा है 20-25 के बीच में ही 7,000 बकरे दिख रहे हैं, उसके बाद रमजान चालू हो रहा है, बराबर है, इसलिए शायद से बहुत एक्सपेंसिव मंडी रमजान, हाँ हाँ रमजान के बाद ना, रमजान की मंडी ठंडी पड़ जाती है, और रमजान के बाद ना मार्केट का भाव ना अलग ही हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, जो बकरा 7,000 में आ रहा है 9,000 में खरीदना पड़ता है, रोजा रखी है इसके हाँ। लिए आ नहीं पाती पब्लिक, रोजा रखी तो भाई अपने रमजान में वीडियो आएंगी, कंटिन्यू नहीं आएंगी, आएंगी ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अब कंटिन्यू वीडियो रहेगी, हाँ वो तो है, वो तो देख ही लिए, वो करेंगे करेंगे यार, कोई करेगा तो भाई यही चीज की उम्मीद रहती है, यही चीज चाहिए आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है तो रेट बता दिए, देखते और भी बकरे। गाइस वाड़ा है S4 का 7 नंबर वाड़ा है, अमन भाई डिटेल देंगे। अमन भाई कौन सी नस्ल में बकरी है? ये भाई सोजत में बोलेंगे, सोजत में ही है, ठीक है सोजत में बोलेंगे, बाकी माशाल्लाह हथियार देखो उसके, कितना मांग रहा है व्यापारी? 40,000 14,000 पे आस्किंग कर रहा है, ठीक है और देने वाला रेट जो है नेगोशिएबल हो जाएगा, ठीक है। बकरी के दांत देखो, दो दांत पे बकरी है, पूरी गुलाबी है माशाल्लाह, काफी अच्छी चीज है, सोजत बोल रहे अमान भाई, अमान भाई नहीं नहीं बोल सकते भाई, एक आंचल का देखो, आंचल कम ज्यादा है, मतलब एक सूखा हुआ है और एक मतलब खुला हुआ है, ठीक है तो नवे लोग नहीं ले, नवे जिसको जानकारी है वो लोग ही हाथ डाले तो अच्छा है, बाकी क्वालिटी माशाल्लाह प्यारी है, बहुत प्यारी है, गुजरी से लोड है। रोहित भाई हमारे बोल रहे कि कल उनके सामने ही थी, कल मैं तो नहीं आया था, रोहित भाई के कंटिन्यू ब्लॉग आ रहे तो उनके सामने ही है, मतलब यानी कल हाँ ब्रीड हो रही थी कल ये, ठीक है तो क्वालिटी भी अच्छी थी गुजरी की, और लोड हो चुकी है, कंफर्म नहीं है, ठीक है लेकिन सामने हुई है तो एक दिन में कोई नहीं बताता, हाँ एक दिन में कोई नहीं बताता, ये तो है, ओहो ये देखा भाई मैं आज देखा, मेरी वीडियो में है ये बकरे से हुई है, हाँ ठीक है एकदम बॉडी बिल्डर वाला, हाँ तो माशाल्लाह चीज़ अच्छी थी, ठीक है तो देखते हो गाइस आज की जो कि वीडियो थी वो यहीं तक का थी, ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। आज हमारे साथ में फरहान भाई भी है, अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत ना भाई, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।